नजर आ रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। राजधानी के तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट और आपको बता दें कि बैंकेट हॉल पर निगरानी भी रखी जा रही है। सीसीटीवी लगाने का निर्देश भी दिया गया है, साथ ही सीएम भी इसे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में करीब 40 मौत, फिर सीएम ने बुलाई समीक्षा बैठक और अब पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। ये सीएम की सख्ती का नतीजा है कि अवैध शराब के खिलाफ पुलिस एक्शन में है, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। राजधानी ही क्यों, बिहार के तमाम जिलों में अवैध शराब पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। अनलेस सारा सोसाइटी हमारे साथ कोऑपरेट करे, अनलेस सारे लोग मिलकर एक इकोसिस्टम बनाए, तो अगर ये सारी चीज़ें जब कंबाइन हो जाएगी तभी जाकर के कुछ पॉजिटिव आउटकम आएंगे, तो वही हमारा अभी कोशिश रहेगा। राजधानी में तो होटल और रेस्टोरेंट्स पर नजर रखी जा रही है, संचालकों को मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया है। हम लोगों के लिए भी अच्छी बात है, लॉ एंड ऑर्डर उससे सुधरता है और सरकार का जो भी गाइडलाइन है उसको हम लोग पहले से भी पालन करते आ रहे हैं शराबबंदी को लेके। और अभी जो विशेष जो टोल फ्री नंबर और जो डिक्लेरेशन गेस्ट से लेना है, देखिए आज हम देख सकते हैं कि आज का पार्टी का पहला ही डिक्लेरेशन हम लोगों ने ले लिया है। वहीं पुलिस की ही सख्ती का नतीजा है कि बैंक्वेट हॉल में भी चौकसी बरती जा रही है। पटना के आशियाना में मौजूद मंगलम बैंक्वेट हॉल में आने जाने वालों की निगरानी हो रही है। तो हॉल्स के जो संचालक हैं वो खुद अपनी तरफ से मॉनिटरिंग करते हैं। सर कैसे कुछ मॉनिटरिंग करते हैं जरा वो भी हम देखना चाहेंगे। तो देखिए कि ये ऑफिस है जो बैंक्वेट हॉल है उसका, और यहीं से मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये सीसीटीवी का पूरा ये मॉनिटर सीसीटीवी का स्क्रीन में है वो, जहाँ पे सारे पिक्चर्स आते हैं और टोटल 9 इसमें कैमराज लगा हुआ है। खुद सीएम भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, उन्हें भी उम्मीद है कि इस सख्ती के बाद शराबबंदी कानून का खौफ होगा और लोग इससे बचेंगे। शासन को और पुलिस को सबको कि एक एक चीज को देखिए और जगह जगह पर इस तरह का जो करते हैं तो हर तरह से जो शराब पीने का, शराब का उपलब्ध करने का, ये बिल्कुल गलत चीज है और अनैतिक है, बिल्कुल गैर कानूनी है, तो इस पर रोक लगाना है। जानकार भी मानते हैं कि सीएम के सख्त संदेश के बाद एक्शन में आई पुलिस का डर अवैध कारोबार में शामिल लोगों पर होगा। जिस तरह से समीक्षा बैठक के बाद इनकी सक्रियता बढ़ी है, या ये कह लीजिए कि जहरीली शराब के बाद सरकार जिस तरह से सजग हुई है और लगता है कि हर कॉर्नर को ये टच करने की कोशिश कर रही है, स्वाभाविक है कि इसके एक सकारात्मक परिणाम आएंगे। एक तरह से कहें तो शराबबंदी की मुहिम को फिर से शुरू किया गया है। किसी भी कीमत पर शराब के अवैध कारोबार पर नकेल कसने की कोशिश हो रही है। अब इसमें कितनी कामयाबी मिलती है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जिस तेजी से और जिस गंभीरता पूर्वक पुलिस इस अभियान को चला रही है वो आगे भी ऐसे ही बरकरार रहे ताकि शराब माफियाओं के मंसूबों पर पानी फिर सके। कैमरा पर्सन दीनानाथ होटा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।